हाँ तो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। हम लोग, आज है संडे का डे, तो हम लोग जा रहे हैं बच्चों को पार्क लेके। तो पार्क ले हमारा वी प्ले, एक इंडोर बच्चों का प्ले एरिया है, तो वहाँ पे हम इनको लेके जा रहे हैं। तो ये लोग वेरी एक्साइटेड हैं। तो कहाँ जा रही हो आप? कहाँ जा रही हो? जंपिंग पे? आप नहा दी, आप कहाँ जा रहे हो? पार्क? राइड भी है? अच्छा, तो आप कितने एक्साइटेड हो बताओ जरा इधर सबको। तो आपको इनकी एक्साइटमेंट नजर आ रही होगी। तो बस हम निकलने लगे थे, तो मैंने कहा इंट्रो दे देती हूँ यहाँ पे। तो मिलते हैं आपके साथ वी प्ले में, तब तक आप हमारे साथ ही रहिएगा। हाँ तो जी, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं वी प्ले में। तो वी प्ले में जैसे हम लोग एंटर हुए तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ये लोग यहाँ पे आए थे। तो जैसे हम लोग एंटर हुए तो यहाँ पे बच्चों की राइड्स के लिए पेमेंट जमा करवा रहे थे, और साथ में वो लोग हमसे पूछ रहे थे कि आप लोग वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है। तो हमने वैक्सीन लगवाई भी थी, और जिसकी वजह से उन्होंने हमें अंदर जाने दिया, वरना अगर हम लोग उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई होती तो वो शायद हमें अंदर ना जाने देते। तो बस हम लोग हो रहे हैं यहाँ पे एंटर, बच्चे चले गए हैं अंदर, और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अंदर आके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। कलरफुल जो है वो प्ले एरिया है ये वाला, काफ़ी तो बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे आके बड़ा एंजॉय कर रहे थे और खुश हो रहे थे। तो एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम लोग भी यहाँ पे आए हैं, क्योंकि जब मुझे याद है मेरी बेटी जो है वो छोटी सी थी, चलती भी नहीं थी, मेरे ख्याल में वो प्रेम में थी, और बड़ा बेटा है जो अब्दुल हादी है उसको हम लोग लेके आए थे। और अभी ये फ़र्स्ट टाइम अपनी होश में, तो ये फ़र्स्ट टाइम से इस तरह से देख रही है, और आके इंतहाई खुश हो रही थी। तो बड़ा कोरोना की वजह से मसला बना रहा है, बच्चों को नहीं लेके आ सकते थे, तो अब बच्चे जो हैं हम उनको लाए हैं और ये बहुत खुश हो रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना शुरू हो गए। तो यहाँ पे मेरा बेटा ले रहा था राइड बाइक की। तो यहाँ पे सारे पेरेंट्स जो आए होते हैं वो अपने बच्चों के साथ लगे हुए होते हैं, खेल रहे होते हैं, कुछ उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं। तो साथ में ही जो है इनका एक प्ले एरिया है, छोटा सा, इन्होंने छोटा सा तो नहीं, खैर काफ़ी बड़ा प्ले एरिया है, जिसके अंदर जाते हैं, और वहाँ पे जो है पेरेंट्स भी अलाउ हैं कि वो भी जा सकते हैं। तो बच्चों को डिफरेंट जगहों पे लेके स्लाइड वगैरह सब कुछ इस तरह। तो मैं भी साथ ही गई थी, क्योंकि मेरी बेटी तो फर्स्ट टाइम आई थी, इसको मुश्किल था थोड़ा। तो मैं इसको बता रही थी कि इस तरह से ऊपर आना है, तो इसको ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। तो यहाँ से ऊपर जाके उसने स्लाइड लेनी थी, तो मैं उसको बता रही थी इस तरह ऊपर जाएँ। तो ऊपर आके इसको स्लाइड पे बैठाया, तो ये स्लाइड लेते हुए भी बड़ा डर रही थी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था। तो यहाँ पे मेरा बेटा जो है वो तो ट्रेंड है यहाँ पे घूम फिर के सारी जगहों से, मैं इसको ढूंढ रही थी, मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो ये फिर के वापस आ गया था और स्लाइड भी ले रहा है। तो मेरी बेटी वहाँ से झूला लेने के, स्लाइड लेने के बाद दोबारा से ऊपर आ रही थी, और उससे मुश्किल हो रहा था चढ़ना, लेकिन थोड़ी सी ये पहले से ज़्यादा ट्रेंड हो चुकी थी। तो बस ये ऊपर आ रही है, और बस इसने, इसके बाद तो इसको बिल्कुल सही तरीका आ गया, और ये पता नहीं इसने कितनी दफ़ा ये स्लाइड ली और कितनी दफ़ा ऊपर और नीचे गई। इसके अलावा ये डिफरेंट जगहों पे घूम रही थी, क्योंकि इसको ये सब कुछ नया लग रहा था। तो यहाँ पे आई है ये एक एरिया जिसमें डिफरेंट कलर के बॉल्स वगैरह इन्होंने रखे हुए होते हैं, तो जिसमें बच्चे जो हैं जाके खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो बस ये जब इसके अंदर गई तो इसको डिफरेंट बॉल्स नज़र आए, और काफ़ी देर इसमें खेलती रही और इन्जॉय करती रही। तो यहीं पे बच्चे जो हैं वो, मेरा बेटा जो है वो स्लाइड ले रहा है। एक स्लाइड लेने के लिए एक उन्होंने रखा हुआ है छोटा सा, एक टायर है उसको कवर किया हुआ है, उसके अंदर बच्चों को बैठाते हैं, ऊपर से स्लाइड जो बच्चे हैं वो लेते हैं, और थोड़ा सा होता है डेंजरस है बच्चों के लिए, ख़तरनाक होता है, लेकिन मज़ा आता है। तो यहाँ पर डिफरेंट चीज़ों से बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तो झूले थे, झूले में इन दोनों को मैंने बिठाया, मैंने कहा इस तरह से आप लोग लो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे एट अ टाइम जो है इस पर पाँच पाँच चार चार बच्चे चढ़े हुए होते हैं, लेकिन इन दोनों को बाइला अकेले अपने लिए लेने के लिए मिल गया, और उसके बाद ये लोग लेते रहे।
तो साथ में ये मेरी बेटी इधर घूम फिर रही है, उसको समझ नहीं आ रही कहाँ जाए, क्योंकि काफ़ी जगह है यहाँ पे घूम, मतलब काफ़ी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो भी बच्चा करना चाहे कर सकता है। तो ये वही झूला है जिसके बारे में मैं आपसे बात करती, वो स्लाइड है जिसमें बच्चे लेते हैं और एंजॉय करते हैं। थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों के लिए, बार बार टायर को ऊपर लेके जाना, और इससे बच्चों की थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो ये मेरी बेटी आई थी इधर, देख रही थी बच्चे ये कहाँ से निकल रहे हैं, तो मैं इसको बता रही थी कि आप यहाँ से अंदर जाओगी और वहाँ से बाहर निकलोगी। तो बस इसको डर ही थी, ये फर्स्ट टाइम था इसका, तो बस इसको मैंने बताया और मैंने कहा यहाँ से बाहर आओगी तो आपको मैं नज़र आऊँगी। तो बस ये अंदर गई और यहाँ से बाहर निकल के ये बड़ा खुश हो रही थी कि जी मैं अंदर जाके और बाहर आई हूँ और मैंने ये कर लिया है। तो अभी बस ये बाहर आई है और बस ऊपर से इसको नज़र आ गया, यहाँ पे बच्चे जो हैं वो जंपिंग कर रहे हैं, बाउंसिंग कर रहे हैं। तो बस इसको बहुत शौक है जंपिंग करने का, ये घर में भी अक्सर बेड पे जो है वो जंपिंग करती रहती है। तो बस को शौक था कि ये जंपिंग करे। तो बस इसकी एज के बच्चों को जो है वो उधर अलाउ नहीं है। तो मेरा बेटा जो है वो तकरीबन 6 साल का हो गया है, तो उसको तो अलाउ है, लेकिन उसको मैंने नहीं जाने दिया क्योंकि अगर वो जाता तो साथ ये भी जाती। तो इसलिए मैंने इनका ध्यान दूसरी तरफ लगा दिया, यहाँ पे मैं इनको डिफरेंट दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ ले आई हूँ ताकि उस तरफ इनका ध्यान ख़त्म हो जाए, क्योंकि दोनों ने ही मुझसे ज़िद की कि हमने जाना है, लेकिन मैंने इनको नहीं जाने दिया। तो यहाँ पे जो एक काम करता है वही दूसरा करता है, ये ऐसी एज होती है बच्चों की, तो जिसमें बच्चे जो होते हैं ना एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो अब जो मेरा बेटा करता है, मेरी बेटी कहती है मैंने वो करना है, और जो मेरी बेटी करती है तो वो, तो अभी ये कि झूले पे बैठे हुए थे, इन दोनों को हमने बिठाया हुआ था तो दोनों इस पर बैठ गए, तो इन्होंने वहाँ जाके सारी राइड्स ली हैं और सही इंजॉय की। और बस अभी टाइम हो गया जाने का, और यहाँ जाते जाते बच्चे जो हैं निकलते बहुत मुश्किल से हैं, हाँ बस दीदी, हम ये जा रहे होता हैं है अभी। बच्चों के साथ, जब ये आते हैं तो फुल हैप्पी होते हैं और जब जाते हैं तो ऐसे तंग कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, और ये ऐसे ही बिल्कुल मुझे मेरे साथ हो रहा है, और ये मुझे फुल तंग कर रही है, मुझे घसीट के दोबारा से अंदर लेके जाने की कोशिश कर रही है। तो बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को वापस लेके जाना, तो ये बिल्कुल घर जाने को रेडी नहीं हो रही। जब आई थी तो एक्साइटमेंट रूज पे थी, और अब बिल्कुल। अच्छा अच्छा आप गाड़ी में बैठो, फिर मैं आपको पानी देती हूँ, ठीक है? देखो चलते हैं, आ जाओ। हाँ तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। तो बच्चों को फन सिटी लेके आए, ये वी प्ले है, इसमें मतलब बड़े अच्छे बच्चों की एक्टिविटीज़ की मतलब काफ़ी चीज़ें हैं कि आप एक्टिविटी करवानी हो बच्चों को तो आप यहाँ पे लेके आ जाएं, हैं भी इंडोर और गर्मी वगैरह में भी कोई मसला नहीं है। तो मैं लेके आई थी बच्चों को यहाँ पे, तो अभी हुआ है इनका टाइम आवर, तो यहाँ पे बस इनका दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था निकलने का यहाँ से, क्योंकि बच्चों का तो पता ही है जब एक जगह पे चले जाते हैं वहाँ से, ख़ासतौर पे ये झूलों वाली जगह पे यहाँ एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों की, तो वहाँ से इनका आने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो अभी आपने देखा ही था कि कुछ देर पहले आने से पहले ये मेरी बेटी जो है ये कैसे शोर कर रही थी, रो रही थी, और जाते कोई ना कोई शरारतें करते रहते हैं बच्चे, और पीछे से मुसलसल आवाज़ आ रही है, वो एक बॉटल है उसको तोड़े जा रही है। तो अभी बच्चों की फरमाइश है कि हमने नानों के घर जाना है, तो अभी हम जा रहे हैं बच्चों की नानों के घर। तो बस यहाँ पे मेरा व्लॉग होता है ख़त्म। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी मम्मी के घर। तो आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो यहाँ पे अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर हर किसी को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।